प्रिय दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार और आप देख रहे हैं विक्रम सिंह तोमर का ब्लॉग चैनल। कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना उथल पुथल भी लेकर आएगा और खुशियां भी लेकर आएगा, यानी कि आपको सभी प्रकार के परिणाम देखने का मौका मिलेगा। जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने वाला यह महीना आपको विभिन्न क्षेत्रों में शुभ शुभ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। जहां एक तरफ आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, तो कुछ नई बीमारियों के योग भी बन सकते हैं। हमारा जीवन बहुत शानदार है और यही भरोसा इसे हकीकत बना देगा। जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है। आखिर क्यों इतनी परेशानियां आपको भुगतनी पड़ रही हैं? कुंभ राशि वालों, अब मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अब भगवान बजरंगबली हनुमान और न्याय के देवता कर्म फलदाता भगवान शनिदेव के से आपको 1 जून से 30 जून, इसका मतलब जून 2024 के महीने में मिलने वाली है। बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों, आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, पैसा होगा, हर सुख सुविधाओं की आपको प्राप्ति होने वाली है 1 जून से 30 जून। इसलिए आप मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बताना चाहेंगे। आज इस वीडियो में सारी सच्चाई आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि स्वयं न्याय के देवता भी आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबतें, आपका दुख देखकर रो पड़े हैं और अब आपके एक एक आंसू का हिसाब किताब होने वाला है और आपकी झोली अब खुशियों से भरने वाले हैं। लेकिन अब और नहीं भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। अब आपकी स्वयं शनि देव ने सुन ली है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत को चमकाने की एक खास और रामबाण सच्चाई बताने वाला हूँ। अब आप रोना धोना बंद करो, क्योंकि आपका अच्छा समय आ चुका है। आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। जीवन में वह सब कुछ आपको मिलेगा जिसके आप हकदार हैं, जिसका आपको पिछले काफी समय से इंतजार था। तो दोस्तों, अब वह समय आ चुका है। तो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, साथ ही साथ एक बात और आपको बता दें, आज की वीडियो को केवल नसीब वाला ही देख पाएगा, तो वीडियो को पूरा देख कर ही जाना, स्किप मत करना, काट काट कर बीच में से वीडियो नहीं देखनी, वह जीवन भर पछताता रहेगा, रोता रहेगा। आज की वीडियो जिसने पूरी देख ली तो उसका भाग्य खुल जाएगा, क्योंकि वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे, कहीं आप उन बातों से वंचित ना रह जाना, इसलिए पूरी वीडियो देख कर ही जाना, सारे काम छोड़कर वीडियो पूरी देखना। आपने अपने जीवन में खूब दुख झेले हैं, खूब मेहनत आप करते हैं, फिर भी आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। आप भगवान के आगे बैठकर खूब रोते हैं, भगवान को भी आप कई बार गलत गलत बोल देते हैं, क्योंकि भगवान आपकी बहुत धीरे धीरे सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी सुनते ही नहीं है, सुनते हैं, लेकिन बहुत समय के बाद सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत किस तरह से चमकेगी और आखिर क्यों आप इतना दुख झेल रहे हो, सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। किस प्रकार संकट मोचन भगवान बजरंगबली और न्याय के देवता कर्म फलदाता भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से कैसा रहेगा। आपकी राशि वालों के लिए 1 जून से 30 जून यानी कि जून 2024 के महीने का यह महत्वपूर्ण समय, चलिए शुरू करते हैं। शनिदेव ने आपकी किस्मत को संवारने का क्या मंत्र दिया है? सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें।
और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव और हनुमान जी लिखना ना भूले। शनिदेव जी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं, जिससे आप में आत्म संतुष्टि का भाव रहेगा। राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा। इन दिनों आपको बता दे, एक खास मुकाम भी आप हासिल करेंगे। यह जो समय है मानव प्रतिष्ठा वर्धक है। धर्म कर्म व आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि रहेगी। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया है तो उस पैसे का कुछ हिस्सा आपको इस समय में वापस मिल सकता है। यदि प्रयास करेंगे तो उधार दिया हुआ पैसा आपको अवश्य वापस मिलेगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। भगवान बजरंगबली और न्याय के देवता कर्म फलदाता शनिदेव ने जब आपकी जिंदगी, आपकी कुंडली, आपकी राशि को देखा तो खुद शनिदेव रो पड़े, क्योंकि आपकी किस्मत में ही शुरू से बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। आपके एक एक आंसू का बदला शनिदेव आपको खुशियों से देने वाले हैं। अब शनिदेव ने आपकी सुन ली है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जानकारी यह है कि आने वाले इन 3 दिनों में आपको किसी एक इंसान से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वह इंसान कोई अनजान भी हो सकता है और वह इंसान कोई आपका अपना भी हो सकता है। आपको कहीं से बड़ा धन लाभ भी हो सकता है। आपका कोई दूर का रिश्तेदार या फिर आपके ससुराल पक्ष से आपको मोटा धन लाभ हो सकता है। तो आपको लाभ कहीं से भी मिल सकता है। लाभ कमाने का अवसर कहीं से भी मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धन लाभ लाकर के दे सकता है। किसी इंसान की वजह से आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां आ सकती हैं और वह इंसान कोई भी हो सकता है। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस समय आपके जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है और वह व्यक्ति बहुत ही खुशकिस्मत भरा रहेगा। घर में पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से किसी भारी व्यक्ति का भी हस्तक्षेप हो सकता है। भाइयों के साथ, घर परिवार के किसी भी लोगों के साथ आप मधुर संबंध बनाकर रखें। मधुर संबंध का मतलब गलत वाणी का प्रयोग ना करें, अच्छा बोले, मिठास रखें। आपके लिए गलत व्यवहार आपके बनते बनते कामों को भी बिगाड़ सकता है। जो काम बनना भी होगा वह भी बिगड़ सकता है। व्यवहार को अच्छा बनाकर रखेंगे तो आपके लिए अवश्य ही लाभकारी स्थितियां उत्पन्न होंगी। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें, जिस पर आप अधिक विश्वास करते हैं या आपका कोई नजदीकी ही आपसे ठगी कर सकता है या आपको धोखा दे सकता है, थोड़ा सावधान रहे। और युवा वर्ग अपने करियर के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना बरते, भविष्य के लिए नुकसान दे सकती है, इसलिए सावधानी रखना आपके लिए आवश्यक है। बात अगर लव लाइफ के नजरिए से करी जाए, प्रेम संबंधों के नजरिए से करी जाए, तो दोस्तों आपको बता दे, पति पत्नी के बीच नजदीकियां बनेगी और अविवाहित के लिए विवाह से संबंधित अच्छे प्रस्ताव घर में आएंगे, विवाह के योग बनेंगे। और साथ ही साथ अधिक व्यस्तता के कारण आप परिवार पर कुछ समय ध्यान नहीं दे पाएंगे। जिन लोगों को हमेशा यह जीवन, यह जिंदगी रुलाती रहती है, उनकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। और यह सब क्यों हो रहा है? शनि अब आपके ऊपर प्रसन्न है, क्योंकि शनि काफी समय से आप लोगों को परेशान कर रहे थे। ऐसे में आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, वरना शनि पहले की तरह वापस से आपसे रुष्ट हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा
कि कुछ गलतियां नहीं करनी है। जिससे शनिदेव को नाराजगी हो वह क्या चीज है? आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, ना ही किसी का मन दुखाना है, ना ही कोई चोरी चकारी करनी है, ना ही किसी को ठेस पहुंचानी है। शनिदेव की कृपा आपसे नाराज हो जाएगी, लेकिन अभी वीडियो छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि वीडियो अब शुरू हो रही है। और अब जो गुप्त राज मैं आपको बताने वाला हूँ, दोस्तों आपको यह समझना पड़ेगा कि जो शनिदेव और हनुमान जी हैं, वह न्याय के देवता हैं। और अभी हम अपनी जिंदगी में चाहे सुख भोग रहे हैं या चाहे दुख, यह सब कुछ हमारा, हमारे ही कर्मों का नतीजा होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर मुझे क्यों दुख भोगना पड़ रहा है? भगवान क्यों मुझे दुख दे रहे हैं? इसलिए अगर आप इस जन्म में दुख भोग रहे हैं तो चिंता ना करें, एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में भी बहुत सुख आएगा। शनिदेव थोड़ी सी परीक्षा आपकी ले सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जीवन में आपके जो भी हो रहा है, थोड़ा सा गलत भी हो रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करें, अच्छा समय जरूर आएगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं और शनिदेव दोस्तों सूर्य पुत्र हैं। शनिदेव और यह उनके कर्मों के हिसाब से ही हर इंसान को फल देते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना है। आने वाले अपने पूरे जीवन काल में देखिए, शनि से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर लें तो आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कलयुग में आपने कई बड़े बड़े धनवान व्यक्ति देखे होंगे, वह धनवान इसीलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव की कृपा है, उनसे शनिदेव प्रसन्न है। और बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी शनिदेव के मंदिर जाते हैं ताकि शनिदेव हमेशा उन पर प्रसन्न रहे। तो अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो आप दोष तो बहुत जल्द एक बड़े इंसान बन सकते हैं। मैं आपको कुछ कारण बता रहा हूँ, कुछ संकेत बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जिन लोगों से शनिदेव नाराज होते हैं, उन्हें हमेशा अपने मन में बेचैनी और घबराहट होने लगती है, नींद नहीं आती है, तो समझ जाना शनि आपसे नाराज है। आपने कुछ ना कुछ गलत काम किए हैं। दोस्तों धन की बहुत ज्यादा हानि होने लगती है, तो समझ जाना कि शनिदेव महाराज नाराज हो रहे हैं। और अगली चीज है, जब आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो और अचानक से ही आपके काम में बाधा आ जाए, आपका काम बिगड़ जाए, तो इसका मतलब यही है कि शनिदेव आपसे नाराज है, उनकी कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। अगली चीज है दोस्तों, जब आप बात बात में झूठ बोलने लगते हैं और आपकी सेहत भी खराब होने लगती है, तो इसका मतलब होता है कि आपका शनि ठीक नहीं चल रहा है। और अगर आपको कोर्ट केस के मामलों में और विवादों में उलझना पड़ जाए, आपकी लड़ाई झगड़े हो जाए, तो समझ जाना दोस्तों कि शनिदेव नाराज है। अब दोस्तों किन कामों को करने से शनिदेव नाराज होते हैं वह जान लेते हैं। लक्षण तो मैंने बता दिए हैं। जब कोई व्यक्ति किसी गरीब की मदद करने की बजाय उसे और परेशान करता है या फिर उसे और कष्ट पहुंचाता है, तो उससे शनिदेव नाराज होते हैं और उन पर शनिदेव की अशुभ दृष्टि पड़ती है। इसलिए किसी भी गरीब को परेशान ना करें। दोस्तों अगर आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
अगली चीज कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपने से दुर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति या फिर अपने से गरीब व्यक्ति का बहुत मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों अब अगली चीज है, दोस्तों अगर कोई व्यक्ति हमेशा गंदगी में रहता है और आलस्य करता रहता है और सफाई नहीं करता है और अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, अपने दादा दादी की इज्जत नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े धनवान बन जाएं, लेकिन अपने माता पिता, अपने से बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति का कभी अपमान ना करें, हमेशा उनकी इज्जत करें। अब अगली चीज दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, कई लोगों की आदत होती है रुपया पैसा कमाने के चक्कर में छल कपट कर देते हैं, लेकिन छल कपट कभी भी नहीं करना चाहिए। मेहनत का खाएं बहुत अच्छा है, लेकिन छल कपट ना करें। अगर आप दूसरों के प्रति छल करेंगे, उनसे घृणा करेंगे, तो बहुत नाराज होंगे शनिदेव। शनिदेव की साढ़े साती का आपको भुगतना पड़ सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि को प्रसन्न कैसे करें। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि मूर्ख ही होगा वह व्यक्ति जो आज के इस वीडियो को छोड़कर जाने वाला है। देखिए दोस्तों शनिदेव न्याय के देवता है। शनिदेव क्यों प्रसन्न नहीं होते हैं, क्यों नुकसान करते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों शनिदेव मान सम्मान के भगवान हैं। मान सम्मान का नुकसान भी होता है, परिवार में क्लेश बढ़ जाता है दोस्तों, और हम बहुत जीवन में तरक्की करते हैं और क्या करने से शनिदेव खुश होते हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जो लोग सुबह लेट उठते हैं उनसे शनिदेव बहुत नाराज रहते हैं, उनकी तबीयत भी हमेशा खराब रहती है, उनके घर में भी आए दिन बहुत ज्यादा परेशानियां आती रहती हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, क्योंकि जल्दी उठोगे तो ही शनिदेव की कृपा मिलेगी। वहीं यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार, निजी समस्या चल रही है तो कुछ मैं आपको उपाय बता रहा हूं। देखिए दान पुण्य करना हमारे धर्म शास्त्रों में तो काफी लाभदायक बताया ही है, लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करना है तो दान करना सबसे उत्तम और सबसे बड़ा और आसान तरीका है। देखिए दान करने से खूब लाभ होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि क्या दान करना चाहिए। देखिए दान किसे कहते हैं, दान मतलब कि आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में फायदा हो, इसका मतलब ये है कि उसके जीवन की मुश्किलें कम हो जाएं, आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति का पेट भर जाए, आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति को खुशी मिल जाए, तो उसे कहते हैं दान। दान किस तरीका का होता है, दान किस चीज का होता है? अगर कोई गरीब व्यक्ति भूखा है तो अगर आप उसका पेट भर देते हैं तो आपको खूब पुण्य मिलता है। अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं तो उससे आपको खूब पुण्य मिलता है। वहीं अगर आप किसी बेजुबान जानवर को कुछ खिला देते हैं तो उससे भी बहुत पुण्य लगता है। किसी गाय को चोट लगी हुई है तो अगर आप उनका इलाज करवा देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा पुण्य लगता है। दोस्तों चाहे आप कितने ही बुरे कर्म कर लिए हो, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो आप इस तरह के जो उपाय मैं बता रहा हूं। लोग कहते हैं गेहूं दान करो, सोना दान करो, चांदी दान करो, अन्न दान करो, देखिए कुछ नहीं होता है।
आप किसी ब्राह्मण को अगर कुछ दान में दे भी देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का घर पहले से ही भरा हुआ है, उसको तो जरूरत भी नहीं है। वह आपके द्वारा दिया हुआ धन इधर उधर खर्च कर देगा, वह आपके द्वारा दिया हुआ अन्न इधर उधर घर में रख देगा, उसको तो पता भी नहीं होगा कि वह अन्न और वह धन कहाँ जा रहा है। लेकिन अगर किसी भूखे का आपने पेट भर दिया तो वह आपको 10 दिन तक दुआएं देगा। अगर कोई भूखा रात में भूख से तड़प रहा है और अगर आपने उसका पेट भर दिया तो वह पूरी रात आपको दुआएं देगा। तो दोस्तों, पुण्य करना है तो कुछ ऐसे पुण्य करें जिससे आपको दुआएं मिले। दोस्तों, तो दान पुण्य इस प्रकार के करें, इस प्रकार के कर्म करें। वहीं अगर आपको और अच्छा दान करना है तो आप सरकारी अस्पताल चले जाएं। सरकारी अस्पताल में बहुत से गरीब लोग होते हैं, लेकिन अगर उनको कोई दवाइयों की जरूरत है तो उनको दवाइयां लाकर दे दे, उनको कुछ खाने का लाकर दे दे, इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा। क्योंकि किसी बीमार व्यक्ति को जब आप कुछ अच्छा खाने को देंगे या फिर उनको गोली दवाई लाकर दे देंगे, आपके कारण कोई व्यक्ति अच्छा होगा, किसी का घर बच जाएगा, तो आपको खूब पुण्य मिलेगा। तो आशा है दोस्तों में यह बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है तो ऐसे कर्म करिए। दोस्तों, तो यह काम करिए। देखिए, रक्तदान महादान। दोस्तों, आपने यह लाइन सुनी ही होगी, तो अगर किसी को खून की जरूरत हो तो आप अपना खून तक दान कर सकते हैं, क्योंकि जो रक्तदान होता है वह महादान होता है। बिजनेस व्यापार की तो आपको बता दे, आपकी कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। कोई भी बिजनेस आप करते हैं उसमें आपको अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। कोई भी मौका आए हाथ से मत जाने देना, क्योंकि आप बड़ी ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। इस समय नौकरी पैसा लोगों को ऑफिस में जो भी कार्य मिलेगा वह समय पर पूर्ण भी करेंगे। इससे क्या होगा, आपके लिए प्रमोशन या फिर ट्रांसफर के योग बन जाएंगे। मनचाह ट्रांसफर आपको मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, वेतन वृद्धि के योग रहेंगे। इससे क्या होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो घर परिवार में भी खुश वातावरण रहेगा, और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी मनचाही नौकरी के प्रबल योग है। इस बात को जानने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी गुस्सा जो है वह रिश्तों को तोड़ देता है। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में ही अच्छी खबर मिलने से आपका मन शांत रहेगा, और जिन बातों में आप खुद को कमजोर समझ रहे थे उनमें आपको बड़ा बदलाव नजर आएगा। और मित्रों, परिवर्तन ही संसार का नियम है, इस बात को आपको जानना होगा। और खुद के प्रति आपका जो भी विश्वास है वह बढ़ने लगेगा। तो वही मित्र करियर से संबंधित प्राप्त हो रहे मार्गदर्शन की वजह से बड़ी समस्या का हल आपको आपके समक्ष मिलेगा। इस समय आपकी राशि वालों के लिए नजर आ रहे हैं, समय का लाभ उठाएं। आपके लिए वह समय वापस नहीं आएगा, यह समझ ले। अपने कर्म पर विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, यकीनन आपको बड़ी कामयाबी प्राप्त होगी। अगर दोस्तों आपके स्वास्थ्य की बात करी जाए तो यह जो समय रहेगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार की चिंता आप बिल्कुल ना करें। कभी कभी गलत खान पान की वजह से पेट खराब हो जाता है, पेट में गैस जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। गलत खान पान की वजह से इसलिए क्या करें, अच्छा भोजन ले, प्राकृतिक चीजों का अधिक सेवन करें, सुबह प्राणायाम करें, योग करें और योगासन वगैरह सुबह आप करें,
स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। मौसमी फलों का सब्जियों का सेवन आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। आपको एक अच्छी गुणवत्ता वाला नीलम रत्न अष्टधातु की मुद्रिका में जड़वाकर शनिवार के दिन मध्यमा अंगुली में धारण करना चाहिए। आप चाहे तो एक अच्छा सा ओपल रत्न भी अनामिका उंगली में शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं। आपको अपने भोजन से प्रतिदिन एक रोटी गांव के लिए एक रोटी कुत्ते और बाकी पशु पक्षियों के लिए निकालनी चाहिए। छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना जीवन भर आपके लिए लाभदायक रहेगा। प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव या बजरंगवाली हनुमान लिखना ना भूले। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।